नमस्ते, वेलकम आपका अपने ही चैनल पर। और आजकल बहुत आंधी तूफान आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा काम भी करना पड़ेगा इस गार्डन में। और बहुत सारी कटिंग वगैरह भी लगानी है। ये देखो मदर ऑफ थाउजेंड इसमें होगा, तो मैं थोड़ी कटिंग भी लगाऊंगी। और ये कर रही है मिट्टी तैयार। ये एक्सल सॉल्ट है, इससे बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ होती है पौधों की। तो ये मैं सारे दोबारा से लगाऊंगी, सारी जड़ें अच्छी तरह से डीप करके फंजीसाइड में। इसको तो मैं कल लगा दूंगी। अब मैं ये कोरियस की कटिंग लगाई थी, जो सक्सेसफुल हो गई। और इसमें डालूंगी बोन मील, कोई हमेशा बोन मील डालने से भी अच्छी ग्रोथ होती है पौधों की। और थोड़ा हल्दी पाउडर शायद खत्म नहीं हो चुका इसमें। देखो ये मूंगफली वगैरह पीस के डाल रखी थी मैंने, तो मस्त खाद बनी हुई है। और इधर से देखो अच्छी प्यारी सी चल गई, ग्रोथ हो गई, नीचे तक जा चुकी जाती है। सर्दी में सारे कोलियस मर चुके थे, मैं छोटी छोटी कटिंग इधर उधर छुपा छुपा के लगा दी थी, तो ये अब मेरे काम आ जाएंगे। अन्यथा नर्सरी में भागना पड़ता है बार बार, तो अकेले में जो कटिंग लगाई थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई। जो पेड़ों के नीचे थी, मतलब जो चोट में थी, सर्दी से बच चुकी, तो वो सक्सेसफुल हो गई। और थोड़ी देर में हम डाल देंगे इसमें पानी और फिर से हम लगाएंगे। या हमारी जो मिट्टी है इसको हम ऐसे निकाल देंगे, और दो दिन की पुरानी मिट्टी हो चुकी ना, इसको हम लगाएंगे दो दिन की धूप, इसको धूप में सुखाएंगे। और फिर हम इसको रिच बनाने के लिए यही सब डालेंगे। और इस तरह से देखो सभी गमलों के नीचे ड्रेनेज होल बनाइए, ताकि जो पानी है ना एक्स्ट्रा वो निकल जाएगा। और ये मिट्टी अपनी जो पुरानी मिट्टी थी हमारी, हम इसमें डालेंगे और किसी भी पौधे के लिए हम तैयार कर देंगे। और एक पानी, एक कंटेनर में पानी लेंगे, ये डालेंगे हम फंजीसाइड। और ये रख देंगे हम एक साइड में। फिर से हम डालेंगे इसमें ये मिट्टी। दियो बेटा, अभी मुझे निकालने लगे जो चलेंगे। और ये हमारे पास थे लिक्विड, जो फर्टिलाइजर मैंने बना रखा था, वो तो मैंने पौधों में डाल दिया 5 लीटर पानी डाल के। और ये मैं डालूंगी इसमें नीचे, ये डिकम्पोज हो जाएगा। ऊपर से डालेंगे हम मिट्टी। और अब ये करेंगे हम डीप इसमें। एलवीरा जेल भी डाल सकते हैं हम फंजीसाइड, नहीं हो तो कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं। तो हम हल्दी पाउडर को भी इस तरह से डीप कर लिक्विड बना के कर सकते हैं।
इसे फंगस नहीं लगती और कोई नहीं बात, तो हम घर से लिक्विड जेल भी लगा के बना के इसको डाल सकते हैं। डन कर, और इस तरह से हम इसमें दबा देंगे। एक बार तो ये जाएगा, ग्रोथ कम होगी, लेकिन अब ग्रोइंग पीरियड है तो बाद में अच्छी तरह से चल जाएगा। और यही पानी हम इसमें डाल देंगे जी साइड से, कुछ और पानी डाल देंगे हम इसमें क्योंकि ये कम रहेगा। और इसको रखेंगे हम शेड में, डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे हम इसको, रखेंगे शेड में। और ये रख दिए हमने शेडेड एरिया में ताकि डायरेक्ट धूप ना लगे, क्योंकि दो तीन स्ट्रेस में जाएगा पौधा तो धूप डायरेक्ट नहीं लगनी चाहिए, थोड़ा हवा भी आती रहेगी। और शेडेड एरिया में इसलिए इधर से थोड़ा सा हवा पानी भी मिलती रहेगी। तो ये भी कोलियस की कटिंग की थी। तो आप अभी सभी पौधों को रिपोर्टिंग का बहुत अच्छा टाइम है, तो जो भी पुराने पौधे हैं, जिस तरह मेरा ये है पौधा, तो इसमें भी दोबारा से खाद पानी सारी जड़ें नीचे तक चली गई, इसको भी रिपोर्ट करूंगी। तो ये बीच में थोड़ी तबीयत डाउन थी, नहीं तो फरवरी एंड में ही होने थे ये। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।